दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन बैंक का बैलेंस अपने मोबाइल से चेक किया। यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन बैंक का बैलेंस मैंने यहाँ पर चेक किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआई बैंक का बैलेंस मैंने चेक किया है, और यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का बैलेंस चेक किया है। यानी कि मैं अपने मोबाइल से किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री, घर बैठे अपने मोबाइल से। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं किसी भी बैंक का बैलेंस अगर आप चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने तीन बैंक का बैलेंस चेक किया है, और यहाँ पर मैं दोबारा आपको चेक करके भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ पर लाइक वाले बटन पर क्लिक करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यहाँ पर सबसे पहले लाल कलर से लिखा हो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बिल्कुल छोटी सी घंटी आएगी यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कमेंट अच्छा सा प्यारा से लिखना है जो आपके दिल में हो, नाइस लिख देना, नाइस ट्रिक, नाइस ऐप, जो भी लिखना आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो इस टाइटल पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऐप लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर जाकर आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको करना है क्लिक बैंक बैलेंस, ठीक है, जो पहला ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो सारे बैंक का यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आईसीआई बैंक का बैलेंस चेक करता हूँ। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस मिनी स्टेटमेंट कस्टमर केयर, यहाँ से आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट, यहाँ से कस्टमर से बात कर सकते हैं और अपने खाते के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बैंक बैलेंस चेक करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर मैं कॉल लगा देता हूँ, और एक कॉल जो कि ऑटोमेटिक एक कॉल अपने आप कट जाएगा, ठीक है। कॉल कटने के बाद यहाँ पर मुझे मैसेज आएगा और मुझे बताएगा कि आपके खाते में इतने बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर ले सकते हैं, और यहाँ से आप मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैसेज आ चुका है और यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा है इतना रुपये, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरे बैंक का बैलेंस चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पर बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर चल चलते हैं दूसरे बैंक का। चलिए मैं यहाँ पर यूनियन बैंक का चेक कर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको बैंक बैलेंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉल लगा देना है। जैसे यहाँ पर कॉल लगाओगे ये कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक, ऑटोमेटिक कॉल ये कट जाएगी। कटने के बाद यहाँ पे फिर से दोबारा मुझे मैसेज आएगा कि आपके खाते में इतने बैलेंस है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बैलेंस चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक का। यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही बैंक करना, मतलब यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है, पहले देख लेते हैं, यहाँ पर बैंक बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही कॉल करना है जो आपका मोबाइल बैंक से लिंक है। यहाँ पर लिखा है साफ, प्लीज़ डायल फ्रॉम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन बैंक, ठीक है। तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।